बात अब जनपद अमरोहा पुलिस की। जनपद अमरोहा के गांव कांकरसराय में दरगाह में रखी धार्मिक किताबों और पर्दों में आग लगाने वाले युवक को अमरोहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा पुलिस कप्तान पूनम ने बताया कि गिरफ्तार युवक द्वारा फिर से दरगाह में घटना को दोहराने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते घटना स्थल पर तैनात पुलिस ने उसको पकड़ लिया। गौरतलब है कि देहात थाना क्षेत्र के कांकरसराय में असामाजिक तत्वों ने धर्म स्थल में आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। 7 धार्मिक किताबों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना से एक वर्ग के लोग आक्रोशित हो गए थे। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात संभाले। एएसपी और सीओ सिटी ने आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती पूनम ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश अपने अधीनस्थों को दिए थे। आज इसी घटना को दोहराते हुए एक युवक को मौके पर तैनात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल थाना अमरोहा देहात पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि गांव काकरसराय में दरगाह में पर्दे और धार्मिक पुस्तक जलाने के संबंध में था। उसके संबंध में एक अभियुक्त खालिद पुत्र मोबीन, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, वो हिरासत में लिया गया है। उसके द्वारा उसी गांव में आज फिर से ऐसा प्रयास किया गया था और मौके से ही उसको हिरासत में लिया गया है। उसे पूछताछ की जा रही है। गाँव वालों के द्वारा इसके मानसिक रूप से विकृत होने की बात बताई गई है। पुलिस की टीम के द्वारा और इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इसे पूछताछ की जा रही है।